बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह के लास्ट लेक्चर में हमने एक कर्व लिया था, ठीक है, उस पर हमने एक पॉइंट पे स्लोप फाइंड किया था। पहले एक सेकंड लाइन की स्लोप फाइंड की और फिर एक सिंगल पॉइंट पे टेंजेंट लाइन बना के उसकी स्लोप फाइंड की और उसका हमने फार्मूला फाइंड किया, ड्राइव किया, किस तरह से फाइंड किया जाता है। तो अब हम एक कर्व लेते हैं वाई इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। फंक्शन क्या है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो एक कर्व इसको मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ये कर्व बनता है, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। तो कर्व इस तरह से बनेगा वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, इस तरह से ये कर्व बनता है, सही है। तो अब यहाँ पर एक हम स्पेसिफिक पॉइंट भी ले लेते हैं। तो ये एक पॉइंट हम ले लेते हैं जिस पे हमने स्लोप फाइंड करनी है इस कर्व की। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट हम लेट्स सपोज 2 कर देते हैं, ये 2 है। तो एक और पॉइंट हम ले लेते हैं यहाँ पर, ये पॉइंट, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा, 2 प्लस डेल्टा एक्स, हम इसे कह देते हैं 2 प्लस डेल्टा एक्स। मतलब कि एक्स की तरफ हमने एक इंक्रीमेंट कुछ किया, ठीक है, डेल्टा एक्स की कुछ भी वैल्यू हो सकती है। इस 2 के अंदर कुछ इंक्रीमेंट हमने किया तो हमारे पास ये इसका एक्स कोऑर्डिनेट बन गया। तो इस इन दोनों पॉइंट्स के वाई कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे वो भी देख लेते हैं। तो इसको मैं थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूँ ये। अच्छा, अब देखें इसके वाई कोऑर्डिनेट्स किस तरह से देखेंगे। इसका वाई कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, जबकि फंक्शन हमारे पास क्या है, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। वाई किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर के, मतलब कि एक्स जो है वो 2 है। तो इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, 2 का स्क्वायर, मतलब कि 4 बनेगा, ये 4 बनेगी इसकी वैल्यू वाई की, ठीक है। तो यहाँ पर देखें इसकी जो है एक्स, इसका एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो 2 प्लस डेल्टा एक्स है। तो इसके वाई कोऑर्डिनेट की क्या वैल्यू बनेगी, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, मतलब कि एक्स कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो है 2 प्लस डेल्टा एक्स। तो 2 प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर बन जाएगा इसका एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है, वाई कोऑर्डिनेट 2 प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर बन गया इसका वाई कोऑर्डिनेट। अच्छा, अब इसकी देखें सेकंड लाइन की, पहले हमने स्लोप फाइंड की थी तो वो किया, सेकंड लाइन बनती है, उसको मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। ये सेकंड लाइन बनती है इस पॉइंट से उस पॉइंट तक, इन दोनों पॉइंट्स को जॉइन कर देते हैं। तो इस तरह से जो स्ट्रेट लाइन बनेगी वो सेकंड लाइन होगी, ठीक है। तो इसकी स्लोप किस तरह से आएगी, वही फार्मूला कि डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, मतलब कि चेंज इन वाई ओवर चेंज इन एक्स। तो चेंज इन वाई ओवर चेंज इन एक्स किस तरह से आता है, चेंज इन वाई क्या है, 2 प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर माइनस 4 बनेगा, 2 प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स। चेंज इन एक्स क्या है, 2 प्लस डेल्टा एक्स माइनस 2, 2 प्लस डेल्टा एक्स माइनस दिस डिस्टेंस 2। तो ये बन गया, ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बनेगा 2 प्लस डेल्टा एक्स माइनस 4, ठीक है, इसका स्क्वायर है डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। अच्छा, अब इस स्क्वायर को हम ओपन कर लेते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, सही है। तो उसको हम ओपन कर लेते हैं, तो ये बनेगा 4 प्लस इसका स्क्वायर क्या बनेगा, डेल्टा एक्स का स्क्वायर, डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 2 इंटू डेल्टा एक्स, वो बनेगा 4 डेल्टा एक्स, और साथ में माइनस 4 है पहले से मौजूद, डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। अच्छा, इज इक्वल टू है डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। तो ये किस चीज़ की स्लोप है, स्लोप ऑफ सीकेंट लाइन, ठीक है, स्लोप ऑफ सीकेंट लाइन। सीकेंट लाइन कौन सी, सीकेंट लाइन जो इन दो पॉइंट्स को जॉइन करने से बन रही है, ठीक है, ये है सीकेंट लाइन, इसकी स्लोप हम फाइंड कर रहे हैं, सही है, इसकी स्लोप हम फाइंड कर रहे हैं। तो ये बनेगा, अब ये देखें, ये पॉजिटिव 4 है, ये नेगेटिव 4 है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास बाकी जो टर्म्स बचेंगी, डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस 4 डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय
डेल्टा एक्स इज इक्वल टू स्लोप, स्लोप के इक्वल है, सही है। तो इसमें से डेल्टा एक्स न्यूमरेटर में से हम कॉमन ले सकते हैं, तो ये बनेगा डेल्टा एक्स इनटू डेल्टा एक्स प्लस फोर डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। अच्छा, अब न्यूमरेटर में भी डेल्टा एक्स है कॉमन में, ठीक है, और डिनोमिनेटर में भी डेल्टा एक्स है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास बाकी जो स्लोप बचेगी, स्लोप इज इक्वल टू फोर प्लस डेल्टा एक्स, सही है। तो ये स्लोप है स्लोप ऑफ सीकेंट लाइन, इस सीकेंट लाइन की स्लोप जो है फोर प्लस डेल्टा एक्स है, ठीक है। अच्छा, अब देखें यहाँ पर हमने फाइंड क्या करना था, हमने फाइंड करना था इस पॉइंट पे जो है स्लोप, सही है। तो देखें ये कर्व था इस तरह से, हमारे पास ये कर्व है, ठीक है, वाई इक्वल टू एक्स के, तो इस तरह से इसके ऊपर सीकेंट लाइन जो है इन दो पॉइंट्स के दरमियान सीकेंट लाइन ये बन रही है, इस तरह से ये सीकेंट लाइन बन रही है, ठीक है। तो अगर हम इसको पॉइंट को करीब लाते जाएं तो हमारे पास सीकेंट लाइन इस तरह से बनती जाएगी, ठीक है, ये, और फाइनली जब पॉइंट बिल्कुल करीब आ जाएगा तो हमारे पास जो सीकेंट लाइन जो है वो टेंजेंट लाइन में कन्वर्ट हो जाएगी, सही है, इस तरह से इस कर्व को सिर्फ एक पॉइंट पे कट करेगी, टच करेगी, तो हमारे पास ये सीकेंट लाइन जो है वो टेंजेंट लाइन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो कब कन्वर्ट होगी, जब ये पॉइंट इस पॉइंट के बिल्कुल करीब हो जाए, मतलब कि हम लिमिट अगर लगा दें, लिमिट डेल्टा एक्स जो है वो अप्रोच कर जाए ज़ीरो को, तब जाके हमारे पास ये सीकेंट लाइन टेंजेंट लाइन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो किसी भी कर्व पे, किसी एक पॉइंट पे स्लोप फाइंड करनी हो तो उसकी टेंजेंट लाइन की स्लोप फाइंड की जाती है, सही है। तो अब देखें ये टेंजेंट लाइन यहाँ पर इस पॉइंट पे ये टेंजेंट लाइन बनती है इस तरह से, ये मैं येलो कलर से ड्रॉ कर देता हूँ, ये टेंजेंट लाइन बनती है इस तरह से, ठीक है, इस तरह से ये टेंजेंट लाइन बनेगी जिसकी हमने स्लोप फाइंड करनी है। तो उसके लिए हम डेल्टा एक्स को ज़ीरो अप्रोच कर देते हैं, तब जाके हमारे पास स्लोप आ जाएगी ऑफ दैट टेंजेंट लाइन। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन ऑफ दैट पॉइंट एट दैट पॉइंट, तो वो बनेगी लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो ऑन दिस सीकेंट लाइन की स्लोप, सही है। उसी सीकेंट लाइन की स्लोप को हम पे हमने लिमिट अप्लाई कर दी, डेल्टा एक्स को अप्रोच कर दिया ज़ीरो के इक्वल, तो फिर हमारे पास स्लोप आ गई, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन जो कि इक्वल आ जाएगी, डेल्टा एक्स अप्रोच ज़ीरो, ये लिमिट अप्लाई कर दें तो हमारे पास आ जाएगी स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन इज इक्वल टू फोर, मतलब के इस टेंजेंट लाइन की स्लोप क्या है, फोर, सही है, इस पॉइंट पे। तो इस तरह से हमने ये एग्जांपल देखी कि हम किस तरह से अप्लाई करेंगे, सही है, किस तरह से हमारे पास ये स्लोप आती है और किस तरह से हम डेरिवेटिव फाइंड करते हैं किसी भी एक्सप्रेशन का, किसी भी कर्व का। तो अब हम नेक्स्ट में जो है एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 2.1, और उसमें हम डेरिवेटिव्स फाइंड करेंगे हाई क्वेश्चन के।